India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने यह फैसला सुनाया, साथ ही उनकी न्यायिक हिरासत को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। केजरीवाल ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 1 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा, चूंकि अंतरिम जमानत हो या नियमित जमानत, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ऐसे में अंतरिम जमानत और नियमित जमानत याचिका दोनों सुनवाई योग्य नहीं है। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में जेल प्रशासन को कहा है कि वे केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराएं। दरअसल केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसका ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। इसके अलावा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ाया। अब उन्हें 19 जून को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। बुधवार को अपनी अर्जी पर फैसला सुनने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश भी दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। वहीं अब केजरीवाल के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाएगी। विशेष अदालत के निर्णय का अध्ययन कर याचिका दाखिल की जाएगी। गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को 55 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद वे लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वो 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था, लेकिन अंतरिम जमानत पर भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता। ये मामला दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित था। 1957 से 2006 के बीच भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गई और मुआवजा तय करने के लिए पुरस्कार पारित किए गए। कुछ मामले में मुआवजे की राशि राजकोष में जमा कर दी गई, क्योंकि भूमि मालिक आगे नहीं आए। कुछ अन्य मामलों में सरकारी संस्थाओं द्वारा कब्जा नहीं लिया जा सका, क्योंकि भूमि मालिकों ने कार्यवाही को चुनौती दी और स्थगन प्राप्त किया। इसके बाद 1800
1994 के अधिनियम को 2013 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें विभिन्न सुधार लाए। नए अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान किया गया कि पहले की व्यवस्था के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कुछ मामले में समाप्त मानी जाएगी, जिसमें मुआवजा न चुकाए जाने या कब्जा न लिए जाने की स्थिति भी शामिल है। धारा 24 की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में की गई है। अधिकांश मामले सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर किए गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही याचिकाओं की स्थिरता के मुद्दे की जांच की। अपीलकर्ताओं द्वारा देरी को माफ करने के लिए लिए गए कई आधारों में से एक शैलेंद्र और मनोहर लाल के निर्णयों द्वारा लाया गया कानून में बाद में परिवर्तन था। इसे आधार के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने उपरोक्त उल्लेखित अवलोकन किया। इसने नोट किया कि शैलेंद्र और मनोहर लाल के निर्णय सुनाए जाने से बहुत पहले ही सीमा अवधि समाप्त हो चुकी है। न्यायालय ने कहा, कानून में बाद में बदलाव तब तक आकर्षित नहीं होगा जब तक कि कोई मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष अपने अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में लंबित ना हो। इसके बाद अधिकांश अपीलें स्वीकार कर ली गई। उधर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका उनको लगा। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडी और सीबीआई के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सिसोदिया फिर से जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष ईडी और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां 3 जुलाई तक आरोप पत्र दाखिल करेंगी। अदालत में मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नेता 15 महीने से हिरासत में हैं और इस मामले में अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। हालांकि अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई आबकारी नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदार को 25 लाख देना पड़ता था, नई आबकारी नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर बनाने के लिए फिलहाल अस्थायी जमीन देने को कहा है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आप पार्टी के ज्ञापन पर 6 हफ्ते में फैसला लेने को कहा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार आप दफ्तर के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक अस्थायी दफ्तर अलॉट करने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आपको अपना मौजूदा पार्टी दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर की जमीन पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपको अन्य राजनीतिक दलों की तरह पार्टी ऑफिस के लिए जगह पाने का हक है।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि पहले उसने आम आदमी पार्टी को अपने केंद्रीय दफ्तर के लिए साकेत कोर्ट के पास स्थायी दफ्तर अलॉट करने का ऑफर किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया। मंत्रालय ने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जमीन उपलब्ध नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि जब तक कि कार्यालय निर्माण के लिए पार्टी को जमीन का आवंटन नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रीय पार्टी अस्थायी कार्यालय पाने की हकदार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आप सरकार के एक मंत्री दीनदयाल उपाध्याय स्थित अपने आवास को पार्टी के पक्ष में देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए उस जगह को आवंटित करने से केंद्र सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उसके साथ अन्य पार्टियों के बराबर व्यवहार नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके पास आम आदमी पार्टी के ऑफिस के लिए सेंट्रल दिल्ली में कोई जमीन खाली नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि आवंटन सामान्य पुल से होना है और राजनीतिक दलों के लिए कोई विशेष सूची नहीं है। केंद्र ने कहा कि आपको वर्ष 2014 में अपने कार्यालय के लिए जमीन की पेशकश की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसे में पुल से एक आवास इकाई आवंटित करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा था कि जहां तक डीडीयू मार्ग स्थित इकाई का सवाल है, उसे सरकार को वापस करना होगा। हाईकोर्ट ने माना कि एक बार फैमिली कोर्ट द्वारा क्रूरता के बारे में पता लगने के बाद पक्षकारों के बीच विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि परित्याग साबित नहीं हुआ है, विवाह को बहाल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 उपधारा खंड 1 में दिए गए तलाक के आधार परस्पर अनन्य है। अगर इनमें से कोई भी आधार बनता है तो तलाक दिया जाना चाहिए। इसने माना कि प्रत्येक आधार के बाद या शब्द का उपयोग उन्हें विभाजक बनाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 खंड 1 IA क्रूरता के आधार पर तलाक का प्रावधान करता है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा धारा 13 खंड 1 खंड IA में किया गया संशोधन तलाक का प्रावधान करता है, जब याचिकाकर्ता के साथ बार बार या लगातार क्रूरता की जाती है। धारा 13 की उपधारा खंड 1 में उल्लेखित तलाक के आधारों का उल्लेख करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि यह समझना होगा कि इनमें से प्रत्येक आधार एक दूसरे से परस्पर अनन्य है। फैमिली कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि प्रतिवादी पत्नी ने अपीलकर्ता पति पर क्रूरता की है, पति को तलाक देने से इनकार कर दिया। धारा 13 और अधिनियम की धारा 9 के तहत दोनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने विवाह विच्छेद से इनकार किया और वैवाहिक अधिकारों की बहाली का निर्देश दिया। अपीलकर्ता पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ता पति के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब फैमिली कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की है, तो विवाह विच्छेद का आदेश दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला, न्यायालय ने कहा कि एक बार जब फैमिली कोर्ट द्वारा आदेश में क्रूरता का निष्कर्ष दर्ज कर लिया गया, तो अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका को वैवाहिक अधिकारों की बहाली का निर्देश देते हुए खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि परित्याग का तथ्य साबित न होना अप्रासंगिक है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि
सैन्य प्रतिष्ठानों के बाहर साइन बोर्ड पर देखते ही गोली मार दी जाएगी और अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी। जैसे संदेश उचित नहीं थे और ऐसी चेतावनियों को व्यक्त करने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि देखते ही गोली मार दी जाएगी जैसे शब्दों का राहगीरों खासकर बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि ऐसे संदेशों को सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे दूसरे तरीकों से लिखा जा सकता है। न्यायालय के 31 मई के आदेश में कहा यह सच है कि सुरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के परिसर में अतिक्रमणकारियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन मेरे विचार से देखते ही गोली मार दी जाएगी जैसी भाषा उचित नहीं है, विशेषकर जहां सशस्त्र बलों का प्रतिष्ठान सार्वजनिक स्थान पर स्थित है जहां आम जनता विशेषकर बच्चे आते जाते रहते हैं। इस तरह के शब्दों का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए केंद्र सरकार को इस तरह के शब्दों को लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए। अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी और देखते ही गोली मार दी जाएगी के स्थान पर हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने ये टिप्पणी एक नेपाली नागरिक को जमानत देते हुए की जो इस वर्ष फरवरी में नशे की हालत में अवैध रूप से वायुसेना स्टेशन में घुस गया था। उस पर भारतीय दंड संहिता और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय को बताया गया कि रक्षा स्टेशनों में घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाएं किए जाने के बावजूद अतिक्रमण बढ़ रहा है। वायुसेना ने न्यायालय को हलफनामे में बताया कि पठानकोट वायुसेना अड्डे और उरी सैन्य अड्डे पर आतंकवादी हमले के बाद रक्षा प्रतिष्ठानों स्टेशनों की भौतिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से न्यायालय को ये भी बताया गया कि देश भर में सेना और वायुसेना प्रतिष्ठानों के बाहर अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी जैसे संदेश लिखे गए थे। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की सीधी भाषा के इस्तेमाल से बचा जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने सहमति जताई कि अतिक्रमणकारियों को रक्षा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उधर नागपुर की एक अदालत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि जासूसी की सजा क्या कुछ होती है। क्या आप यह जानते हैं भारत में जासूसी के लिए किन कानूनों के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे सजा दी जा सकती है। नागपुर के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को निशांत अग्रवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के जुर्म में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वर्गीकृत सूचना रखने और उसे संभावित रूप से साझा करने के आरोप में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया। उसके कार्यों को राष्ट्र की सुरक्षा या हितों के लिए खतरनाक माना गया। उस पर IPC 1860 के सेक्शन 121A के तहत भी मुकदमा चलाया गया सरकार को दबाव मिलाने की साजिश रचने के लिए, सेक्शन 120B आपराधिक साजिश के लिए, सेक्शन 419 एंड 420 धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए, सेक्शन 467 और 468 जालसाजी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 के तहत साइबर अपराध गतिविधियों के लिए जिसमें अनऑथराइज डेटा एक्सेस और हैकिंग शामिल है। अदालत को पता चला कि अग्रवाल के व्यक्तिगत लैपटॉप पर वर्गीकृत जानकारी थी जिसे रखने के लिए वह अधिकृत नहीं था। उसने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए और ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड किए जिनसे उसका डेटा एक्सपोज हो गया। अदालत ने उसके कार्यों की गंभीरता के कारण कोई रियायत नहीं दिखाई। और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।
इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।